यहाँ पे हम लोगों ने बैंगन लगाया था, बैंगन के साथ इसमें इंटरक्रॉपिंग मेथी की थी स्टार्टिंग में, जो हमने देखा उसको। बाद में बैंगन लगाने के बाद इसको दाम नहीं थे, तो हमने एक महीने तक इसमें कोई सिंचाई नहीं की, क्योंकि दाम नहीं है तो क्या करेंगे इसको सिंचाई करके, इसीलिए हमने पानी का सेविंग किया। अब इसकी सेविंग कर रहे हैं कि फरवरी महीने से इसको दाम अच्छे मिलने चालू हो जाएंगे। तो इसके ऊपर किसी भी प्रकार का हम पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं किए। इसमें क्या किया है हमने, अभी पहली फसल हमने ले ली थी मेथी और बैंगन, मेथी की फसल लेके एक महीना उसकी सिंचाई बंद कर दी थी। अभी बैंगन में हम लोगों ने एक लाइन यहाँ धनिया की लगाई है, एक यहाँ धनिया की लगाई है, कुछ जगह पे मेथी लगाई है जिसका जर्मिनेशन हो गया है, धनिया का होने का है। इस तरह से मेथी और धनिया ये भी लिया ताकि बैंगन के साथ पहली तो मेथी की फसल मिली, अब ये दो लाइनों में सीधी लाइनों में मेथी की धनिया की फसल मिलेगी और बैंगन की फसल भी मिलेगी। अब बैंगन की सिंचाई आरंभ कर दी कि ये सिंचाई के साथ हम धनिया की फसल का अतिरिक्त मुनाफा, धनिया में हमारा बैंगन का खर्चा निकल जाएगा और बैंगन नेट प्रॉफिट में चल जाएगा। इस तरह से ये बैंगन आज इसका बड़ा चला था कि हमें GM बैंगन निकालना है। मैं कहता हूँ कि हमारी प्रजातियाँ इतनी अच्छी है कि हमने अगर सॉइल फर्टिलिटी बढ़ा दी, कोई GM की ज़रूरत नहीं है। हमें ये GM की तकनीक एक व्यापार है जो किसानों के साथ खतरनाक तरीके से जुड़ा हुआ है। ये अभी हमारी फसल अगर सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है तो हमारे अपने बीज ही हमारे अपेक्षा से कई गुना ज़्यादा देते हैं। इसके नेचुरल टाइमिंग को हम समझ ले तो इसके ऊपर कीटक के प्रकोप भी नहीं होते। नेचुरल तरीके से इसमें उगाया गया बैंगन, इसमें रोग कम आता है। जो हम इंसेक्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइज़र और उसका ऋतु, गलत ऋतु में इसको लगा दिया, बारिश में लगा दिया, तो दुनिया भर का इस पर रोग आएगा। तब हम कहने लगेंगे कि नहीं, हमें GM बीज चाहिए, ऐसे बीज की जिनके बीजों से उसमें इलिया नहीं आएगी। अरे भाई, आपने गलत समय पे लगाया और आप उस तंत्र को झूठ कह रहे हो कि इसमें रोग ज़्यादा आता है बैंगन में, इसलिए हमें नए बीजों की ज़रूरत है। नहीं, हमें सॉइल फर्टिलिटी की ज़रूरत है, GM बीजों की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम लोग पूरे तरह से सृष्टि के चक्र को सुरक्षित रखते हुए अपने ही बीजों से बेहतर उपज इसकी लेते हैं। प्रति एकड़ 150 से 200 क्विंटल तक इसकी बिना पेस्टिसाइड, बिना केमिकल फर्टिलाइज़र का इसका उपज मिलता है। क्योंकि मैंने तुअर में आपको बताया कि कैसा हम ग्रीन मैन्यूरिंग बनाते हैं, उसी तरह खेत में ज़्यादा से ज़्यादा बायोमास मिलाते हैं, बायोमास को कभी जलाते नहीं, तो वो बायोमास का लगातार यूज़ करते रहने से सॉइल फर्टिलिटी लगातार बढ़ रही है। ये देखिए, ये चालू हो गया बैंगन लगना, अभी इतने छोटे छोटे पेड़ हैं, पूरा बैंगन, कहीं भी कोई कीड़ा नहीं है इसमें, पूरा एकदम। इसके बाजू में ही दूसरा बैंगन लग गया है छोटा, फिर इसने जगह जगह ब्रांचिंग निकाल दी है। तो अब हम लोगों ने इसको देख लिया है कि अब दाम बढ़ने चालू होंगे, तब इसकी सिंचाई आरंभ करके, तो इनको फल लगने आरंभ हो चुके हैं, ये पूरा फ्लावरिंग में घिर चुका है। इसको छोटे छोटे बैंगन अब ये लगने आरंभ हो गए और ये हर जगह ऐसे छोटे छोटे बैंगन ये तैयार हो गए, तो पूरा पेड़ ये बैंगन से लग जाएगा बाद में।